हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं होगा और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नव वर्ष विक्रम संवत 2080 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। आज है नव दुर्गा का पहला दिन जो हम रखे हैं फास्ट। हम क्या रखे हैं, मैं रखा हूँ, मेरी पूरी फैमिली ने फास्ट रखा हुआ है आज के दिन। और मैं पूरी 9 फास्ट रखना चाह रहा था, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि आप फास्ट मत रखो क्योंकि तबीयत मेरी अभी भी ज़्यादा सही नहीं है। मंडे को भी फास्ट रखा था, इसलिए मैं पूरे 9 फास्ट तो नहीं रख सकता हूँ। मैं पहला रखूँगा और आखिरी रखूँगा। तो गाइस, मैं बस इतना ही दिखाना चाह रहा था कि तो हमारा जो मंदिर है उसमें मम्मी ने पूजा कर चुकी हैं और उसमें जो है कलश वलश लगा दिया, स्थापना हो गई है और मतलब कि मंदिर में अच्छी खासी पूजा हो चुकी है। तो मैं आपको अभी मंदिर की अपनी पूजा दिखा देता हूँ, ठीक है? चलिए। तो गाइस, यहाँ पे भी हमने पूजा कर ली है और यहाँ पे भी हमने माता जी को ये पान का पत्ता चढ़ा दिया है और यहाँ पे घी से भी दिया जला दिया है, अंगूर अंगूर रख दिए। और हम अगर नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि हमने छोटा सा हवन किया है और इसमें जो है सामग्री वामग्री सब पड़ा हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये हवन और ये हमारी मम्मी रामायण पढ़ रही हैं, ये देख सकते हो बहुत ही अच्छा रामायण है ये। और अभी हम आपको हम मंदिर में दिखाते हैं जो बाहर की मंदिर में है वहाँ पे भी बना हुआ है। वैसे यही हमारा मंदिर और यहाँ पर कलश रखा हुआ है। पहले तो हम ये घंटी बजा देते हैं। और ये हमारे गणेश जी यहाँ पर देखिए, इनके भी पान का पत्ता रखा हुआ है और सबके भगवान के सामने भी पान का पत्ता रखा हुआ है। ये हमारे भोलेनाथ जी हैं, जय भोलेनाथ, कृपा करना। और ये प्यारे प्यारे नंदी देवता और ये हमारे बजरंग बली और इनके सामने भी पान का पत्ता रख दिया है मम्मी ने। और यहाँ पर भी ये दुर्गा माँ है और यहाँ पर ही यह हमारा कलश रखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताया था कि मम्मी ने पूजा कर लिया था। और यहाँ पर ये अंगूर भी रखे हैं, दीपक जल चुका है पूरा। और ये देख सकते हो गाइस, कलश रखा हुआ है। अंदर पता नहीं क्या रखा जाता है, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मम्मी ने पूजा कर लिया था क्योंकि मैं अभी अभी सो के उठा था, आधे घंटे पहले नहा लिया। और नहाने के बाद मैं भी आज फास्ट था ना, आपको बताया था, तो नहा लिया। नहाने के बाद जो है आ गया मंदिर में पूजा करने और पूजा करने के बाद फिर मैं आपको वीडियो दिखाने आ गया। ये देख सकते हो गाइस, बहुत अच्छा नज़ारा है। आपको अगर मैं इधर से दिखा देता हूँ तो बहुत ही प्यारा है। ये देखो, यहाँ से एकदम क्लियर आ रहा है। और इधर देख सकते हो, और यहाँ पर गाइस हमारा वो दान पेटी रखी हुई है, अगर जिसको भी थोड़ा बहुत दान देना तो उसमें डाल सकते हो, आकर के कहीं से भी आ सकते हो गाइस। और इधर हमने ये छोटी सी पूजा कर रखी है। शाम हो चुकी है और यहाँ पर मम्मी ने यहाँ पर पूजा भी कर चुकी हैं और ये जो बाहर वाला मंदिर था ये जो है बाहर से लेके आ चुकी हैं। और अभी बाहर वाले मंदिर पर भी दिखा देते हैं हम। गाइस, शाम हो चुकी है, मम्मी ने अंदर पूजा कर लिया था, मैंने भी बताया था आपको। और यहाँ पर मैं तो गाइस, शाम हो चुकी है। शाम होने पर ये इनके जो फूल वूल वगैरह हैं सब इनको हटा देते हैं क्योंकि शाम को फूल हटा दिए रहते हैं, तो गाइस हटा देते हैं। जो हमारे शाम के फूल होते हैं वो हम इसमें इकट्ठा करके रख देते हैं और जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो हम नहर में वो जो होता है ना, नहर में चढ़ा देते हैं, उठा देते हैं। तो गाइस, हमारी पूजा हो चुकी है और अभी देखते हैं मम्मी क्या बनाने वाली हैं। आई थिंक साबूदाने की खिचड़ी बनाने वाली है और चाय बनाने वाली है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में देखने वाला हूँ। तो ये हमारा साबूदाना, अभी इसकी खिचड़ी बनने वाली है, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं गाइस। ये देख लो, ये टमाटर, गाइस ये व्रत का है, इसमें जीरा नहीं पड़ा है। जीरा जो अगर आप खाना चाहते हो तो अलग से आप डाल सकते हो, वैसे हम लोग जीरा नहीं खाते हैं व्रत में। और इसमें हम सेंधा नमक मिलाते हैं। सो गाइस, हमारे साबुनदाना की खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है और चलिए इसको खा लेते हैं। और अभी चाय बन जाएगी, चाय पी के फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे।
सो गाइस, यही थी हमारी आज की ये छोटी सी ब्लॉग, और नव दुर्गा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू, सायोनारा।